हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक से, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो बेटा, हम लोग बात कर चुके हैं कि जो पुष्पी पादप में जो पुष्प होते हैं बेटा, वही उसका क्या है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन स्थल होता है। फ्लावर के चार पार्ट होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। बात कर चुके थे हमारे पास क्या होता है, स्टामेन ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, उसमें बना था बेटा क्या है हमारे पास पॉलन, कहाँ पे, एंथर में। तो पॉलन में हम देख चुके थे कि मेच्योर पॉलन में कितनी सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल एक होती है, दूसरी बेटा जनरेटिव सेल होती है। तो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन क्या है, इसी टू सेल स्टेज में शेडिंग करता है, मतलब झड़ता है। और जो हमारे पास बच्चे होते हैं लगभग 40% के आसपास, उसमें थ्री सेल स्टेज में होता है। पॉलन ट्यूब रिलीज होने से पहले ही जनरेटिव सेल समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या है, दो नर युग्मकों में बेटा क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, मतलब तीन सेल स्टेज हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ना देखा हो, प्लीज आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे लिखा है नीट 2024 बायोलॉजी, बच्चों अच्छे से उसको देखिए। ज्यादा भौकाल बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्या है बेटा, इंप्रेशन जमाने की जरूरत नहीं है, और नीट को हवा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एनसीईआरटी तैयार है और आपने अच्छे से जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, एमसीक्यूज की, तो बेटा आपका सिलेक्शन जो है क्लास 11th है और 12th क्या है, डाकते डाकते ही हो जाएगा। अगर आपने 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा है तब आपको टाइम लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 11th और 12th की एनसीईआरटी, चाहे वो बेटा फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, उसको अच्छे से पढ़िए। हाँ, एनसीईआरटी को समझाने के लिए हम लोग हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए, ताकि आप 100% प्योर जो है एनसीईआरटी पढ़ सकें। बाकी जो है बेटा, जैसे हम खाना खाते हैं तो पहले अपना क्या करते हैं, मेन भोजन करते हैं जो हमको पसंद होता है, चटनी, अचार, मर्चा बाद में खाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे हमारा मेन सिलेबस एनसीईआरटी ही है, पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा बहुत जो आपको एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है वो हम लोगों के साथ हो जाती है। तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे पोलन हमारे पास कैसे एलर्जी करता है, या उसी को हम कहते हैं पोलन एलर्जी। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या है पोलन एज अ क्या है, फूड सप्लीमेंट, मतलब पोलन न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, मतलब कि पोलन एलर्जी भी कर सकता है। पराग कण क्या है, वो बहुत सारे लोगों में बेटा क्या करता है, एलर्जी करता है और बहुत सारे क्या है विकार भी उत्पन्न करता है, और पोलन खाना सेहत के लिए फायदेमंद भी है। तो आइए बेटा देखते हैं हम लोग पॉलन एलर्जी। ये पॉलन का बेटा तीसरा लेक्चर है, पार्ट नंबर 3-2 तक हम लोगों ने देख लिया है। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स, मतलब पराग कण, तो इसी को ग्रेन्स न लिख करके या लिखा रहे तो पॉलन ग्रेन हम क्या कहेंगे, एलर्जी, मतलब बेटा पॉलन से हमको क्या एलर्जी होती है, पॉलन से क्या हो सकता। तो आइए देखते हैं, हम लिखते हैं सम स्पीशीज ऑफ ना, हमारे पास होते हैं प्लांट्स के जिनके पॉलन क्या करते हैं बेटा, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पार्थेनियम, पार्थेनियम बोले तो उसे हिंदी में कैरेट ग्रास कहा जाता है, गाजर घास कहा जाता है। और हम लोगों के यहाँ तो जो कृषि वाले लोग हैं वो जानते होंगे, खेती वाले, कि ये पूरे खेत में बेटा क्या होता है, हरा हरा रहता है, उसमें सफेद सफेद फूल रहते हैं, जिसे कहा जाता है कांग्रेसिया घास, क्योंकि ये कांग्रेस के जमाने पे ही जो है क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आया था, इम्पोर्टेड वीट के साथ ये कॉन्टामिनेटेड था, मिला हुआ था, और हमारे यहाँ थोड़ा सा गेहूं की कमी हो गई थी तो वहां से मंगाया गया, और उस गेहूं में क्या था बेटा, ये पार्थेनियम भी था, और ये क्या हो गया पूरी इंडिया में बहुत ही तीव्रता से फैल गया। तो जैसे हम लोग कोई दवा खाते हैं या कोई चीज मंगाते हैं, तो उसका हमको उस समय क्या होता है, केवल बेनिफिट्स पते होते हैं, लाभ पता होता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट समय के अनुसार धीरे धीरे बाद में पता चलता है। तो अब ये देखा गया कि ये क्या करता है, एलर्जी लोगों में करने लगा। इसका पॉलन ना इतना खतरनाक होता है कि लोगों में अस्थमा कर देता है ना, ब्रोंकाइटिस कर देता है। ब्रोंकाइटिस आप समझते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, ट्रेकिया जा रही बेटा, ट्रेकिया
प्राइमरी टिकेट, सेकेंडरी टिकेट, ब्रोंकियोल्स, मतलब यहाँ से लेकर के जो फेफड़े तक नलियाँ जाती है उसमें सूजन आ जाती है, श्वसनीय शोथ। अस्थमा को आप जानते हैं हिंदी में दमा कहा जाता है बेटा। तो ये क्या है, रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर है ना, क्रोनिक रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं चीरकालिक, लंबे समय तक रहने वाले। इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली सांस लेने में नहीं ना, एक्सपायरेशन में ना, निःश्वसन में, सांस को निकालने में। तो लोग देखो इसे सांस लेते हैं, तो मतलब सांस फूलती है ना। तो ये हमारे पास यही एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, बाकी भी पॉलन एलर्जी करते हैं। जैसे जब परागण का मौसम आता है, पॉलिनेशन का, तो जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनको अस्थमा अगर किसी को है या सांस फूलती है तो उनको दिक्कत होने लगती है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में किसका दिया गया है, पार्थेनियम का दिया गया है। तो आपको ये देखिए कहानी के तौर पे ही याद हो गया होगा। बस एक दो पॉइंट जो है इसमें थोड़ा सा आपको बस लिखना है, थोड़ा सा देखिए यहीं पे बात करते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज क्या करते हैं बेटा, कॉज उत्पन्न करते हैं सेवर्स, बहुत सारे क्या है एलर्जी। बेटा एलर्जीज लिखा है, क्या है, बहुत सारे बेटा क्या है एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और हमारे पास एलर्जी के साथ साथ क्या है बेटा, ब्रोंकियल, एक एक लाइन याद रखिएगा, एफ्लिक्शंस, एफ्लिक्शंस। अब बेटा याद रखिएगा, हम यहाँ पे बात किए कि पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, बहुत सारी क्या है हमारे पास ऐसे पौधों की प्रजातियां हैं जिनके परागकण क्या होते हैं बेटा, एलर्जी उत्पन्न करते हैं, सेवर्स क्या है एलर्जी, और क्या बेटा, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस का मतलब हुआ बेटा, यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं, श्वसनीय वेदना। वेदना का मतलब क्या होता है बेटा, कष्ट। वेदना का मतलब है कष्ट ना, पीड़ा। श्वसन में क्या होती है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, कष्ट होती है ना, सांस लेने में देखो फूलती रहती है, और मेनली क्या है एक्सपायरेशन में होता है, ले तो लेते हैं लेकिन निकालने में अब जैसे गांजा भांग पीड़ी पीने वाले क्या करते हैं, देखो उनके सांस हमेशा ज्यादातर क्या है फूलती रहती बेटा, सांस उनकी निकलती नहीं। तो ये याद रखिएगा, ब्रोंकियल इफ्लेक्शंस का मतलब क्या होता है, श्वसनीय वेदना। अब देखेंगे सर जी, अच्छा ये एलर्जी क्या है, क्या होती है एलर्जी, बस एलर्जी एलर्जी कहते रहते हैं। तो बेटा किसी को धूल से, किसी को धूप से, किसी को अंडे से, किसी को मूंगफली से, किसी को केला से, किसी को फल से, किसी को फूल से, किसी को पत्ती से, किसी को भी किसी से एलर्जी हो सकती है। जैसे हमको तो लोगों से ही एलर्जी, ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद है नहीं है, ज्यादा लोगों की आवाज सुने, कुछ बच्चों को तो अपने मम्मी पापा से एलर्जी होती है, अरे मम्मी तुम्हार आदत सही नहीं है, और कुछ मम्मी पापा को भी ऐसी है कि अपने बच्चों से एलर्जी होती है। अबे तुमको जब देखते हैं मूड खराब हो जाता है, स्पेशली पापा को तो जरूर बेटों से एलर्जी होती है। तो बेटा ऐसा है, एलर्जी क्या है आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि जिसके प्रति शरीर हमारा क्या है ज्यादा प्रतिक्रिया दे, महाराज याद रखिएगा एलर्जी है क्या, जिसे हम एलर्जीज लिख दिए हैं तो आप केवल एलर्जी लिखिए, कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास है। तो एलर्जी होता क्या बेटा, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी, HYPE, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी। जब शरीर क्या है किसी भी चीज के लिए अत्यधिक प्रतिक्रिया देने लगे, कि थोड़ा सा धूल पड़ी होने लगा, थोड़ा सा हमको क्या हुआ ठंडी पड़ी ना, खांसी आने लगी, जुखाम हो गई, गले में सूजन हो गई, या बहुत ज्यादा ठंड लगना भी, ठंडी से भी लोगों को एलर्जी होती है, मूंगफली से लोगों को एलर्जी हो जाती है, हम लोग जो अपने घर में कॉइल जलाते हैं उससे एलर्जी हो जाती है, मच्छर वाले जो लिक्विड जलाते हैं उससे हो सकती है। तो बेटा एलर्जी कभी भी किसी को भी किसी से हो सकती है, ठीक, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी ही कहा जाता है एलर्जी। लेकिन जब किसी क्या है पराग कण से किसी को एलर्जी होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोलन एलर्जी। और इसमें एक बहुत ही कॉमन नाम है,
इसमें बेटा एक बहुत ही कॉमन नाम है जिसको अब हम लिखने जाने वाले हैं। अब आते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं पार्थेनियम। पार्थेनियम का दूसरा नाम है बेटा कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास याद रखिएगा, ये पार्थेनियम है। इसका पूरा नाम है बेटा पार्थेनियम एक जीनस है। पार्थेनियम का फुल नेम है पार्थेनियम हेस्परोपोरस। तो एक जीनस है ना, अभी इसमें स्पीसीज बहुत सी हैं, तो इसलिए जो है एनसीईआरटी में जो है सिर्फ जीनस दिया गया है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनियम को कैरेट ग्रास है कहते हैं, कैरेट ग्रास। काज फिर वही लिखेंगे, एलर्जी इन मेनी ह्यूमंस, बहुत सारे बेटा क्या है मनुष्यों में ये क्या करती है, एलर्जी उत्पन्न करती है। ये नाम जरूर याद रखिएगा पार्थेनियम। और पार्थेनियम क्या का दूसरा नाम बेटा याद रखिएगा कैरेट ग्रास, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एलर्जी हमारे पास क्या होता है, जब एलर्जी होती है तो ये क्या करता है, ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लेडिंग क्रोनिक रिस्पायरेटरी देखो डिसऑर्डर। बेटा हम आपको कई बार बता चुके होंगे जिन्होंने हमारे लेक्चर को देखा होगा ना, जैसे क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो आपको हम बता चुके हैं कि डिजीज और डिसऑर्डर में अंतर है ना। तो कॉमनली हम लोग क्या है, डिसऑर्डर को भी डिजीज ही कह देते हैं, लेकिन डिजीज जो होती है बीमारी होती है, और डिसऑर्डर मतलब विकार होता है। डिजीज हमको किसी भी कारण से हो सकती है, किसी भी इन्फेक्शन से हो सकती है, किसी अदर चीज से हो सकती है, लेकिन डिसऑर्डर क्या हमारे पास होता है बेटा, जब अपने ही शरीर का कोई अंग या कोई जो है सेल या कोई भी कोशिका जिसका जो काम है वो काम करना छोड़ दे या उसको सही से ना कर, तो विकार उत्पन्न हो गया। तो बेटा इसमें श्वसनीय विकार उत्पन्न होता है ह्यूमंस में। ये ह्यूमन में क्या करता है, एलर्जी, और जब एलर्जी करता है तो लीडिंग क्रोनिक क्या है, रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर। याद रखिएगा क्रोनिक रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर का मतलब, यहां देखो ऊपर से लिख रहे हैं चीरकालिक श्वसनीय क्या है विकार। चीरकालिक मतलब लंबे समय तक रहने वाला है, चीरकालिक श्वसनीय विकार। अब बताते हैं बेटा कौन कौन से चीरकालिक श्वसनीय विकार होंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेटा लिख लीजिए। 100% पॉइंट टू पॉइंट ही आपको लिखते हैं, और ये कॉन्फिडेंस के साथ करें, 100% कॉन्फिडेंस के साथ। नाम भी इसीलिए बेटा 100 टाइम्स एजुकेशन है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज ला सकें। बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ज्यादा इसको जो है डिफिकल्ट मत बनाइए, बहुत ही इजी है आपका सिलेक्शन होना, लेकिन कब, जब आपको एनसीईआरटी तैयार होगी। हम लोगों के टाइम पे एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ाया ही नहीं जाता था, टीचर कुछ और ही अपना पढ़ा रहे हैं, कुछ और ही बता रहे हैं। किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब कानपुर में जाके सिंह सर से मिला, वहां पे मैंने पढ़ाई की, तब पता चला कि बेटा सिलेबस तो पहले से निर्धारित है, और सेलेक्ट होके आपको जाके डॉक्टर बनना है, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे पीएचडी करवाए पड़े हैं, बोर्ड देख के ही खुश हैं, मैडम की स्टाइल ही देख के खुश हैं थोड़ा सा ना। अरे बेटा पढ़ाई कर लो, सब कुछ मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सब कुछ मिलता है। तो बेटा चीरकालिक क्या है, श्वसनीय विकार लंबे समय तक, एक बार रिवाइज कर लो। तो इसको बताते हैं कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज। कार्ड क्या है बेटा, सेवर्स एलर्जीज, बहुत सारी क्या है हमारे पास, क्या करता है एलर्जी उत्पन्न करता है। जैसे और इसमें के साथ क्या है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, क्या है एफ्लिक्शंस, श्वसनीय वेदना, सांस लेने में कठिनाई। एलर्जी होती क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी, जब शरीर किसी के लिए क्या है ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, एलर्जी। जैसे एक हमारे पास बहुत ही नामी चीज है पार्थेनियम, और क्या बेटा कैरेट ग्रास, गाजर घास ना, काज एलर्जी इन क्या है मेनी ह्यूमंस, बहुत सारे जो है मानव में ये क्या करता है, एलर्जी करता है। लीडिंग क्या लीड करता है, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर मतलब चीरकालिक श्वसनीय विकार। अब ये लिखेंगे क्रोनिक रिस्पायरेटरी हमारे पास डिसऑर्डर कौन कौन सा है, तो बेटा इसको हटाते और देखते हैं। जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा
और ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर याद रखिएगा महाराज, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। इसीलिए बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देते हैं, जहां पे आपको दिक्कत हुआ करे तो आप बता दिया करिए क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिस क्या है, ऑर्डर क्या है। जैसे हमारे पास क्या होगा बेटा, अस्थमा जो एलर्जी से है, बाकी इंफाइसिमा वगैरह तो श्वसन में है। अस्थमा को हिंदी में हम लोग बेटा क्या कहते हैं, दमा ना, जिसमें सांस फूलती है। घर में कहा होगा ना, अरे वो दमा के मरीज हैं यार, इन सब का इलाज उलाज नहीं होगा, बहुत सही में लंबे से है। लेकिन एलर्जी से बचा जा सकता है, एलर्जी का टेस्ट होता है। पहले तो 6,000 का टेस्ट होता था, अब जो है शायद थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग करने लगते हैं तो चीजें अपने आप घट जाती हैं, बहुत सारी मशीनें। तो बेटा एलर्जी जब किसी को कोई दवा काम ना कर रही हो, आप लंबे समय से परेशान हो कि नाक बह रही है आपकी, आंखों में पानी आता रहता है हमेशा, आंखें लाल, हमेशा सर दर्द हो रहा है, ठंडी आपको बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी आपको बर्दाश्त नहीं होती, धूप आपसे बर्दाश्त नहीं होती ना, कुछ लोगों को तो पानी से एलर्जी हो जाती है, ये नहीं होता, तो आप टेस्ट जरूर करवाइए, उससे पता चल जाता है किस चीज़ से एलर्जी है, और उससे फिर आप परहेज करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। किसी को ठंडा, किसी को दही, किसी को आइसक्रीम, तमाम चीज़ बेटा। तो ये अस्थमा मतलब बोले तो दमा, जिसमें हम लोगों की सांस है फूलती है। और दूसरा हमारे पास क्या बेटा, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्लास 11 में पढ़ा होगा, ब्रोंकाइटिस का मतलब श्वसनीय शोथ, श्वसनीय शोथ। और शोथ का मतलब होता है बेटा सूजन। आपके जो है ब्रोंकाइटिस में ना, जो हमारे पास लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है, उसकी जो हमारे पास बेटा नलियां हैं, उन सब में क्या हो जाए, सूजन आ जाए, तो उसे श्वसनी शोथ कहा जाता है। ये चीज हो सकता है किससे, सिर्फ पार्थेनियम मतलब पॉलन से एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ये जरूर आप याद रखिएगा। अच्छा अब जब बात आई तो हम देखते हैं कि पार्थेनियम आया से कहां से। पार्थेनियम बेटा हमारे पास आया है, पार्थेनियम केम इनटू इंडिया, केम इनटू, ये पूछा जाता है इंडिया ना, विद कॉन्टामिनेटेड बेटा, विद कॉन्टामिनेटेड, कॉन्टामिनेटेड मतलब दूषित, कॉन्टामिनेटेड मतलब जैसे कहते हैं कॉन्टामिनेटेड क्या है, फूड एंड वाटर, दूषित रक्त और क्या है भोजन से। तो यहां पे कह रहे हैं कॉन्टामिनेटेड क्या है, वीट, कॉन्टामिनेटेड इम्पोर्टेड वीट। इम्पोर्टेड मतलब जो आयातित था, जो लाया गया, इम्पोर्ट का मतलब बेटा मंगाना और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, भेजना। इम्पोर्टेड क्या है, वीट। ये आपको बेटा तैयार हो गया, जरूर याद रखिएगा पार्थेनियम कहाँ से आया है ना, पार्थेनियम केन इनटू इंडिया विद कॉन्टामिनेटेड क्या है, इम्पोर्टेड वीट। जब ये यहाँ पे आया तब बेटा क्या है, यूबीक्विसेंट हो गया, पूरी के पूरी तरीके से क्या हो गया, सर्वव्यापक हो गया, पूरे इंडिया में फैल। और अभी हम लोगों का गेहूं कटा है, अब देखना बहुत तेजी से ये क्या होगा, जामेगा। बरसात में जैसे हम लोग बेहन लगाने लगते हैं, धान लगाने लगेंगे अभी ना जुलाई उलाई के महीने में, तो बेटा पहले खेत में यही काटना पड़ता है, पूरे खेत में रहता सफेद सफेद, हम लोग छोटे थे तो इसको पुल्ली पहनते थे, नोज किल की तरह। कैरेटस के लिए कहा जाता है कि इसकी पत्ती हरी हरी गाजर की तरह ही होती है। इसका एक नाम और याद रखिएगा, कभी कभार आपको अन्य एग्जाम में हिंदी में पूछा जा सकता है कि पार्थेनियम को ही बेटा कैरेटस कहते हैं, जान गए, और पार्थेनियम को ही कहते हैं कांग्रेसिया घास, कांग्रेसिया। आप घर में अपने पूछ लीजिएगा बच्चों तो घर वाले बता देंगे, क्योंकि इसी नाम से वो जानते हैं कांग्रेसिया घास, क्योंकि ये कांग्रेस के जमाने में ही आई थी। मतलब इसमें कांग्रेस वालों का दोष नहीं है, ये मत समझिएगा मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, कांग्रेस वालों का दोष नहीं है। उस समय गेहूं की जब कमी थी तो ऑस्ट्रेलिया से ये गेहूं मंगाया गया, अब जिसकी सरकार थी वही मंगाया गया, तो बेटा ये क्या हो गया, इसका नाम कांग्रेसिया घास भी होता है, इसलिए इसका नाम बताया। कि जिन्होंने ना देखा हो प्लीज जाइए और खेत में देख लीजिए बेटा, बहुत से इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, जितने भी नीट की तैयारी करते हैं 90% गाँव से ही आते हैं, तो उन्होंने देखा होगा, जो 8-10% नहीं देखे हैं जरूर देखें।
तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्टामिनेटेड इंपोर्टेड क्या है, वीट कांग्रेस या घास हो गया। अब हम देखेंगे बेटा क्या पॉलन का, देखेंगे कि पॉलन हमारे पास लिए कैसे फायदेमंद है, पॉलन से हमको कैसे पोषण प्राप्त होता है। पॉलन यूज एज क्या है, फूड सप्लीमेंट। तो बच्चों इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा महाराज आप अस्थमा बोले तो दमा ब्रोंकाइटिस श्वसनीय स्रोत याद रखिएगा, किससे होता है ना, ये पार्थेनियम हिस्पोरस से होता है, हिस्पोरोपोरस उसकी स्पीसीज है, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल हमारे पास क्या है जीनस लिखा गया है बेटा। आइए बेटा अब हम देखते हैं, ये हमारे पास पॉलन का चौथा पार्ट है ना, लेकिन हम इसी में देखेंगे, मेरा ये पॉलन पे तीसरा लेक्चर है और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में छठवां लेक्चर है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो आपका अब 2023 की जो एडिशन वाली बुक आ रही है उसमें नहीं है, और क्या है सीबीएसई ने अपने से हटा दिया है। 2023 के एग्जाम में तो अभी पहला चैप्टर आएगा, लेकिन हम लोग 2024 के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें बेटा पहला चैप्टर नहीं आएगा, अब ये पहला चैप्टर हो गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बेटा यहाँ पे हम कहेंगे पॉलन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन है न्यूट्रिएंट्स या पॉलन ग्लैंड न्यूट्रिएंट्स, कैसे पॉलन क्या है न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं, पॉलन है न्यूट्रिएंट्स बात कर रहे हैं बेटा कि जो हमारे पास पॉलन है वो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमको ये भी लगे कि हाँ बच्चे हमको जो है लाइक कर रहे हैं और हम आउट जोश के साथ जो है वीडियो बनाएं। आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम कई बार बोल के 100-200 बार हम लोग बायोलॉजी पढ़ लेंगे, पहले एक बार अगर आपने अच्छे से हमारी वीडियोज देखी है तो लाइन टू लाइन आपको याद है। अब देखो बात करते हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं कि पॉलन न्यूट्रिएंट्स की तरह कैसे काम करता है, क्यों, क्योंकि पॉलन क्या होता है, ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए तो क्या खाते हैं पराग खाते हैं पॉलन है, इसी से तो पराग हनी क्या है लेके आती है, मतलब हनी बनाती है, हनी भी जो है क्या करती है फूलों से उसको निकालती है, उसके रस को निकालती है, खाते हैं बड़े बड़े जो है हम लोगों के यहाँ परिष्कार के फल फूल खाइए, फल भी खाइए फूल भी खाइए, और फूल में जो पराग है उसको खाइए, जैसे गुड़हल की पत्ती आप खाते हैं, गुलाब के कुछ लोग पत्ती खाते हैं, वैसे कुछ लोग कमल का ढूंढ़ खाते हैं जो नीचे है उसमें पॉलन ना बेटा, जो आपका मखाना है देखिए उसका फूल है वो हम लोग खाते हैं। तो बेटा बहुत सारे पॉलन जैसे हम लोग खाते हैं गुलर खाते हैं, तो देखिए उसमें जैसे आप फाइकस खाते हैं अंजीर खाते हैं तो उसमें देखो छोटे छोटे दाने रहते हैं पॉलन, तो बेटा वो सब हम खाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ भरे हुए होते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं बेटा, ये याद रखना है पॉलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, धनी होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्यों, जैसे हम आपको बताए थे कि बेटा हमारे पास ये क्या है पॉलन, अब देखो ये हमारे पास आउटर लेयर ना हो गया एग्जाइन इन टाइम, अब पूरा नहीं बनाएंगे, बोले थे इसमें बेटा दो सेल है, एक वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली, अब वेजिटेटिव सेल के यहाँ पे ऐसे क्या होता है इसी के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है जनरेटिव सेल। तो बेटा ये इसका एलॉन्गुलर सेल न्यूक्लियस और ये क्या है इसका न्यूक्लियस, बोले थे कि साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल रिच इन क्या है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों से भरपूर होती है, अब वही हम खा लेंगे इसी को तो पोषण हमको प्राप्त हो जाएगा, बात समझ में आई, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन्स रिच इन क्या है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों से क्या होते हैं बेटा भरपूर होते हैं। इन रिसेंट ईयर डेज इस समय हमारे पास, अब इसको हटाते हैं, ये फैशन है कंजप्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन रिसेंट डेज या रिसेंट ईयर्स ना, कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है ईयर्स, पॉलन कंजप्शन, पॉलन कंजप्शन क्या है इन फैशन, फैशन का मतलब बेटा इन समझना के वाला, फैशन फैशन का मतलब होता है प्रचलन, कहते हैं ना आजकल ये फैशन में चल रहा है सब,
अरे ये आजकल हेयर स्टाइल फैशन, आजकल जो है ये कपड़े क्या है, या शेविंग ना करना, या जो है शेविंग अच्छे से करना हो, तमाम चीज जो भी कुछ नया करते हैं उसे होते हैं फैशन। फैशन का मतलब क्या बेटा? प्रचलन, जो इस समय चीज चल रही है ज्यादा। तो बेटा इन रिसेंट ईयर्स पॉलन कंजप्शन हमारे पास क्या होता है, इन्हें फैशन मतलब पॉलन खाना जो है क्या है बेटा, फैशन में। कहाँ पे? फैशन प्रचलन में हमारे पास है। अब आते करते हैं पॉलन क्या करता है हमारे पास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ना, पॉलन हमारे पास क्या है, फूड सप्लीमेंट होता है। पॉलन यूज फॉर फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। बेटा हम लोग जैसे दवा जाते हैं डॉक्टर साहब से लेते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या है हमको सप्लीमेंट दे दीजिए। सप्लीमेंट मतलब हमारे खाने में क्या है, सारी चीजें नहीं मिल पा रही, तो हमको क्या है एडिशनल चीजें दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब दवा देते हैं जिसमें क्या है हमारे पास कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तमाम चीजें, या कार्बोहाइड्रेट कम मिल रहा है, या प्रोटीन कम मिल रहा है, तमाम चीजें ना, स्पेशली विटामिन्स और मिनरल्स के लिए हम लोग मेडिकल में जाते हैं, वहाँ पे फूड सप्लीमेंट मांगते हैं। तो पोलन यूज फॉर क्या है, फूड सप्लीमेंट, या पोलन यूज एज कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। यूज एज क्या है, किस तरीके से यूज होता है, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होता है। अब आगे बेटा हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ क्योंकि महंगी चीजें हैं, लोग खाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है उतना भी ज्यादा खाने पे काम चलता रहे, बस वही है पेट भरता रहे ना, भोजन पेट भर करेंगे, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, लेकिन खाने में खर्चा नहीं करेंगे, कम करेंगे, काम चलता रहे बस। तो बेटा जैसे हम खा तो लिए, पेट भर गया, तोंद निकलती चली आ रही है, लेकिन उसमें पोषण क्रम प्राप्त होता है हमको, तो उसी को माल न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसमें ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम, पेट भर गया लेकिन आपको जो है पोषण कम मिला, तो उसे माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो इन क्या है वेस्टर्न जो हमारे पास कंट्रीज होते हैं, वो लोग चाहते हैं हम कम खाएं ना, ज्यादा मोटापा ना बढ़े, ज्यादा तोंद ना निकले, लेकिन एनर्जी खूब मिले, काम हमारा क्या हो प्रॉपर खूब अच्छे से चलता रहे बेटा। तो इन हम कहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, कंट्रीज ना, क्या होते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज, मेनी पॉलन प्रोडक्ट्स, मेनी पॉलन प्रोडक्ट्स यूज एज फूड सप्लीमेंट। अभी जो सप्लीमेंट की बात की ये थे बेटा, जो हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज हैं बताए ना, जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह, हमारे पास ब्रिटेन ना, ये सब तमाम हमारे पास जो है, इसमें क्या होता है, जर्मनी हो गया, इन सब जगह पे पॉलन क्या है प्रोडक्ट्स होता है, यूज एज क्या है फूड सप्लीमेंट। अब वो पोलन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं बेटा, हम लोग उसको देखेंगे। जैसे बता दूं, पोलन का सिरप आता है, पोलन की टेबलेट आती है, पोलन का पाउडर आता है, पोलन का क्रीम आता है, स्पेशली टेबलेट्स, और सबसे ज्यादा महंगी मिलती है क्या, बी पोलन। बी पोलन का मतलब जो क्या है, मधुमक्खी के द्वारा पोलन निकाला जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी, तो इसको बेटा फूड हमारे पास सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, और किसके तरह क्या है, एनर्जी इन्हेंसमेंट की तरह काम किया। जैसे कोई एथलीट है, वो डोपिंग का शिकार हो जाता है अगर कोई दवा खा लेता है अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन एलर्जी खाता है तो उसमें डोपिंग नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं आएगा कि आपने किसी नशीले पदार्थ या किसी दवा का इस्तेमाल किया अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो बेटा जो हमारे पास स्पोर्ट पर्सन होते हैं, और जो रेस हॉर्स के घोड़े होते हैं, उनको भी पोलन दिया जाता है, समझ लो पोलन खाना कितना जरूरी है। तो इसलिए बेटा आप फल जितना खाते हो उससे भी बराबर, हमारे यहाँ पहले से कहा गया फल फूल दोनों खाएं, केवल फल ही फल खाते हैं, फूल खाते हैं, तो ताकि उसका पोलन वगैरह हमको मिले। तो अब बेटा हम देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास पोलन प्रोडक्ट्स। तो आइए थोड़ा सा इसको हटाते हैं, जगह साफ करते हैं बाबू, और फिर देखते हैं पोलन प्रोडक्ट्स। तो बेटा देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं पोलन प्रोडक्ट्स।
पोलन प्रोडक्ट्स में आप जान लीजिए क्या बेटा, पहले बात हमारे पास पोलन पिल्स आते हैं, पोलेंस बेटा क्या आते हैं, टेबलेट्स आते हैं। एनसीईआरटी में सब देखो डायग्राम बना के दिया गया है, और टेबलेट्स को ज्यादा ऊपर रखा गया है, उसमें दिखाया गया है पाउडर को, लेकिन इमेज में सब है तो वह भी पूछ सकते हैं बेटा पोलन का क्या बन सकता है, पाउडर बनता है। टेबलेट्स और सिरप को स्पेशली दिया गया है, टेबलेट्स एंड क्या है सिरप, लेकिन आपके इमेज में डायग्राम में आप देखेंगे तो पिल्स भी है पाउडर भी है, और पोलन क्या बेटा क्या है क्रीम भी है, पोलन क्या है क्रीम भी है। तो अब ये हमारे पास कौन कौन से पोलन प्रोडक्ट हैं आपसे ये पूछा जा सकता है। तो बेटा पोलन पिल्स हैं, पोलन के बेटा हमारे पास टेबलेट एंड क्या है सिरप है, पोलन पाउडर है, पोलन क्या है क्रीम है, हमारे पास है, ये चीजें हैं। अच्छा ड्रॉप भी आते हैं, सीरम भी आते हैं, जैसे हम लोग इस समय क्या लगाते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं सीरम, सीरम तो आप जानते हैं ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कार्ड है सीरम, कि बिना हमारे पास क्या होता है रक्त का थक्का जमाने वाले जैसे फाइब्रिनोजन वगैरह प्लाज्मा से हटा दिया जाए उसे सीरम कहते हैं। तो ये नेचुरल भी है, आर्टिफिशियली भी लोग बनाते हैं, जैसे आपने लेरियोस और तमाम चीजों का देखा होगा, 350 की छोटी सी बोतल में दी, दो बूंद लगाइए लाइट आएगा, तो अपने यहाँ जो है लोगों के ब्लड से निकाल करके इसको जो है अदर कंट्रीज में बेचा जाता है जो महंगे देश हैं, क्योंकि अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा पोलिन भी हमारे यहाँ जो है जो राजा महाराजा उनकी रानियाँ और राजकुमारियाँ होती थी या जो होते थे अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए, बुढ़ापा देर से आए बुढ़ापा जल्दी ना आए उसके लिए भी वो पोलिन का इस्तेमाल करते, बहुत से नशीले पदार्थों का इस्तेमाल तो इसीलिए प्रचलन में आया। एनहेंसमेंट करता है क्या है पावर को, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, तो इसकी वजह से बेटा पोलन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, स्पोर्ट पर्सन करता है, और क्या है बेटा रेस हॉर्स भी करता है। चलो तो बेटा ये पिल्स याद रखिएगा, पोलन पिल्स, पोलन टेबलेट्स, पोलन सिरप, पोलन पाउडर, पोलन क्या है क्रीम। एक चीज और बताना आपको चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 रुपये वाला लिपस्टिक लगाने बहुत है, अभी ये सोचना कि लैक्मे वाला तो महंगा मिलता है 150 का, उसमें पॉलन होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, वो तो और केमिकल है। तो ऐसा है कि बेटा बहुत से लोग पॉलन का लिपस्टिक भी लगाते हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं की आदत होती है इसे जीभ चाटती रहती है, होंठे लाल करती है, अब जा रहा है पूरा केमिकल्स, पूरे लिपस्टिक में जा रहा है केमिकल्स। तो जो अच्छे जो है देश हैं या जिनके लोग जो है स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो पोलन ऐसा होता है कि पोलन से बनी हुई क्या लिपस्टिक होती है, ताकि अगर चाटें भी तो उनको एनर्जी मिले, बात समझ में नहीं, और चाट चाट के तो बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, अब तो इससे अच्छा खराब चीज का है चाटो, ऐसी चीज चाटो जिसमें एनर्जी ज्यादा मिले ना, फ्रुक्टोज मिले, कैल्शियम मिले, समझ रहे हैं, तो पोलन मिले तो उससे बेटा एनर्जी यूज होती है। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं कि पोलन कंजप्शन, जो हम पोलन का बेटा खाते हैं तो इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, पोलन ग्रेन यूज फॉर ना इंक्रीज इंक्रीज ना परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, अपने बेटा क्या है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पोलन ग्रेन्स यूज फॉर क्या इंक्रीज परफॉर्मेंस। अब किसके द्वारा, बाई स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट पर्सन एथलीट से जिसे हम कहते हैं, एंड रेस हॉर्स, घोड़ा का स्पेलिंग भूल गया, रेस हॉर्स घोड़ा क्या है, हम लोग बैल हैं गधे हैं, घोड़ा घोड़ा कभी किसी ने कहा नहीं, टीचर ने भी यही कहा कि गधा है बैल है, घर वालों ने भी कही गधा है बैल है, अब घोड़ा की स्पेलिंग भूल गए धीरे धीरे। तो बेटा याद रखिएगा, तो जो हमारे पास रेस हॉर्स होते हैं आपने देखा जितनी बहुत पैसे लगते हैं सट्टा लगता है, उसमें बेटा क्या है कि घोड़े का परफॉर्मेंस बढ़े, एथलीट्स का क्या परफॉर्मेंस बढ़े, स्पोर्ट पर्सन का परफॉर्मेंस बढ़े, तो पोलन ग्रेन यूज किया जाता है भाई। तो याद रखिएगा पोलन खाना बहुत फायदेमंद है, अब पोलन से एलर्जी भी है, पोलन ग्रेन यूज फॉर क्या है इंक्रीज क्या बेटा परफॉर्मेंस, कई बार इसलिए कर एंड
बाइक है स्पोर्ट पर्सन एंड रेस हॉर्स को खिलाया जाता है। तो बेटा हम लोगों ने ये दे लिया पोलन से एलर्जी, और पोलन क्या है न्यूट्रिएंट्स, पोलन कैसे सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल होता है। तो बच्चों आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। बेटा आपको सिलेक्शन अपना लेना है इतना याद रखिए, और सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आप सेलेक्टिव पढ़िए, बस उतना ही पढ़िए जितना आपको जरूरत है, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, और मेडिकल कॉलेज में जाकर के 16-16 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ आपको जो है जितना भी कुछ करना है वही करिए कि आप जल्दी से सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़िए, हमारी वीडियोज देखिए, बहुत सारे एमसीक्यूज करिए। बेटा ज़्यादा भौकाल में नहीं जाना है, बेटा जब तक व्हाइट बोर्ड पर ना लिखो मज़ा नहीं आता, इसीलिए कहते हैं जब तक एनसीईआरटी ना पढ़ो तब तक मज़ा नहीं आता। आप स्मार्ट बोर्ड देखेंगे, टीचर्स के कपड़े देखेंगे, मैडम की स्टाइल देखेंगे, भौकाल देखेंगे, नाम देखेंगे, तो सिर्फ कंफ्यूज होंगे। स्मार्ट वर्क करिए, आराम से पढ़िए, शोर मत मचाइए, और सेलेक्ट हो जाइए उसके बाद शोर अपने आप मच जाएगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे ना, थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ेंगे अब क्या है गाइनोसियम के बारे में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्लावर के बारे में। मेल का हो गया सब कुछ, अब चलते हैं फीमेल पे। तो मेल में जितना मजा आया है उससे ज्यादा फीमेल में मजा आएगा। तो बच्चों तब तक आप एनसीईआरटी पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।